सबसे ज्यादा घर में कौन सोता है? विकास पाठक घर के अंदर सिर्फ सोने को आया है क्या? अपना दिमाग जरा कम लगा, जरा जबरदस्ती का ब्लेम नहीं करने का। तो रुको जरा, सबर करो। सॉरी भाव, मैं जबरदस्ती का ब्लेम किया। क्या तुम्हें भी लगा था कि हिंदुस्तानी भाव ने जितना कुछ बोला है वो सारा कुछ सलमान भाई को बोल दिया है? हा? अगर तुम्हें ऐसा लगा है ना भाई, तो तुम पोपट बन चुके हो। बिग बॉस यही चाहता था कि तुम्हें लगे ऐसा और तुम वापस आओ देखने के लिए शो। भाई ये बिग बॉस शो ही ऐसा है, ये इंडिया का बिगेस्ट रियलिटी शो है, बिगेस्ट रियलिटी शो। पर सोचने और समझने की बात ये है कि भाई इस शो का रियलिटी से दूर दूर तक का रिश्ता नाता बंधन कुछ नहीं है। यार तुम सोच ही कैसे सकते हो कि जिस शो में ऐसे एक्टर और एक्ट्रेसेस आ रहे हैं जिनका करियर का ग्राफ ऊपर नहीं जाता नीचे आता है, तो ऐसे शो में भाई रियलिटी के नाम पे आपको सिर्फ ड्रामा मिलेगा और कुछ नहीं। यार तुम एक्सपेक्ट ही कैसे कर सकते हो बिग बॉस जैसे शो में रियलिटी? तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है कि बिग बॉस एक ऐसा शो है जिसमें कंटेस्टेंट्स के नाम पे एक्टर्स को लाया जाता है, वो भी टीवी एक्टर्स, जो कि तुम्हें भी पता है कि उनकी एक्टिंग किस लेवल की होती है। उनको एक्टिंग के नाम पे सिर्फ तीन चीजें आती है, रोना, गुस्सा करना। देखा आपने, लापरवाही का नतीजा है। ऐसे ही पोलियो की खुराक न लेने से पोलियो आपके बच्चे को पकड़ सकता है। और हंसना यानी खुश होना। और क्या होता है जब तुम ऐसे एक्टर एक्ट्रेसेस को एक शो में डाल देते हो, हमें मिलता है एक फुल ऑन रियल शो विच इज फुल ऑफ रियलिटी, उसका नाम है बिग बॉस। तो जल्दी से वीडियो कर देते हैं शुरू, पर इससे पहले जरूरी सूचना, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, बता रहा हूं मैं, प्यार से बता रहा हूं, जल्दी से वीडियो को लाइक कर देना। और अगर चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना यार, सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब नहीं करके जाते हो, प्यार से बोलो सब्सक्राइब कर देना। चलो जल्दी से वीडियो करते शुरू। तो यार मैं तुम सबसे पूछना चाहूंगा कि बिग बॉस में ऐसा कौन सा सिनारियो है जो हर सीजन में रिपीट होता ही होता है? गेस करो, वो सिनारियो है कंटेस्टेंट्स का बिग बॉस के घर से भागने का। सी मत कर, बिग बॉस ये दरवाजा खोल दो। हाँ मतलब पता नहीं इनको क्या चुल मस्ती, इनको घर से भागना है, बस भागना है। और मेरी जान अगर तुम्हें लगता है कि ये चीज सिर्फ कंटेस्टेंट्स में कॉमन है, नहीं तुम गलत हो। Get someone else to lose. यार मतलब लिटरली जितने ही बिग बॉस के सीजन हुए ना, अभी तक 14 सीजन चल रहा है ना, 13 सीजन हो गए, 113, उसमें जितने सीजन भी सलमान खान ने होस्टिंग करी है ना, मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ हर सीजन में सलमान खान ने चिल्ला चिल्ला के बोला होगा आई एम लिविंग दिस शो, बिल्कुल ऐसे ही बोला होगा। और जिन जिन को ये प्रोमो देख के लगता है कि सच में सलमान खान शो छोड़ के चला जाएगा, अरे भाई तुमसे ज्यादा पागल कोई नहीं है। उसको एक शो के एक एपिसोड के समझ जाओ, एक एपिसोड के 8 करोड़ मिलते हैं या 9 करोड़ मिलते हैं, 8-9 करोड़ मिलते हैं, तो लगा सकते हो तुम एक हफ्ते का उसको कितना मिलता है, 8 7 56 करोड़। सपने में भी देखा है कभी? समझ जाओ वो शो छोड़ के नहीं जाने वाला, ये बस एक टीआरपी स्टंट है, मतलब पीआर स्टंट, टीआरपी स्टंट जो भी बोलते हैं वो स्टंट है, ठीक है समझ जाओ। भाई मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ कि इस सीजन में, बिग बॉस सीजन 14 जो चल रहा है अभी, जो मेरी मम्मी उसमें बैठ के अभी देख रही हैं, उस सीजन में भी सलमान खान या फिर कोई ना कोई कंटेस्टेंट जरूर बोलेगा बिग बॉस एंड लिविंग दिस शो। और हाँ लिटरली मेरे घर में भी बिग बॉस चल रहा है अभी, सो डोंट जज मी बिकॉज मैं देखता नहीं हूँ भाई, कतई नहीं देखता मैं। और मैं इसलिए नहीं देखता ना भाई क्योंकि ये बिग बॉस शो बहुत ज्यादा एडिक्टिंग है, तुम्हें लगता है सिर्फ इंडिया की आंटियां देखती हैं, ऐसी बात नहीं है यार, हमारी जनरेशन के लोग भी देखते हैं शो को। यार बिग बॉस वाले काफी ज्यादा समझदार है, तो हमारे जनरेशन के लोगों को टारगेट करने के लिए ये बीच बीच में ऐसे काम करते रहते हैं, जैसे कि अभी इन्होंने लेटेस्ट एपिसोड्स में ये डांस करवा दिया था इंडियन बहुओं से। जी हाँ इंडियन बहुओं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये सीरियल्स में आके बहुएं बनती हैं, तो इंडियन बहुएं से। और भाई मतलब क्या हदें पार करी है ना, और अगर इसको फैमिली कंटेंट बोलते हैं तो मतलब क्या ही है। तो यार तुम्हें बिग बॉस में देखने को मिलता है ये, जो कि बिल्कुल फैमिली फ्रेंडली है, बिल्कुल आप अपने परिवार के साथ, बच्चों के साथ, पूरे दादा दादी के साथ बैठ के देख सकते हो, ये चीज देख सकते हो ना भाई, देख सकते हो कि नहीं देख सकते, क्योंकि टीवी पे तो आ रहा है ये, वो भी कलर्स चैनल पर, फैमिली फ्रेंडली कंटेंट के नाम पे क्या बेच रहे हैं बिग बॉस वाले हम सबको। तो ये एक रीजन है जिसकी वजह से हमारी जनरेशन के लड़के और लड़कियां ये शो देखती है, हालांकि मैं नहीं देखता, सच में मैं नहीं देखता बिल्कुल भी, पहले जरूर देखता था अब नहीं देखता, ठीक है।
तो बढ़ते अपने अगले रीजन की तरफ, जिसकी वजह से हमारे जनरेशन के लोग बिग बॉस देखते हैं या फिर बिग बॉस को देखना पसंद करते हैं। आपको इस बिग बॉस शो में WWE से भी ज्यादा अनस्क्रिप्टेड फाइटिंग सीन्स, फाइटिंग विजुअल्स एंड बहसबाजी वाली चीजें देखने को मिल जाएंगी। बिल्कुल WWE जो बिल्कुल अनस्क्रिप्टेड है, बिल्कुल टोटली अनस्क्रिप्टेड है बिग बॉस की तरह, उससे भी अच्छी फाइट्स आपको देखने को मिलेगी बिग बॉस में, बिल्कुल ऐसी। और भाई तुम्हें ऐसे ऐसे फाइट सीन्स देखने को मिल जाएंगे जो घर के बाहर कोई करने की सोच भी नहीं सकता, बिग बॉस के घर के बाहर करने की कोई सोच भी नहीं सकता। मतलब एक से एक, ये देखो जरा पट से हेडशॉट मारा इसको तो। और भाई सच में ये ऐसा करते हैं इस घर में जैसे इनके बाप का ही शो है। ठीक है डॉली जी, ठीक है, ज्यादा नहीं बोल रहा बिग बॉस में, थोड़ा सा ही बोलूंगा, थोड़ा सा तो बोल सकता हूँ ना। हाँ बोल सकता है, लेकिन बाप पे नहीं जाने का। अच्छा ठीक है, थोड़ा सा बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो इसी के साथ बढ़ते अपने तीसरे और आखिरी रीजन पे, जो की है उसके लिए मेरे को अपने हाथ जोड़ने पड़ेंगे। और राधे माँ की जय हो, राधे माँ, राधे माँ, राधे माँ, राधे माँ, राधे माँ। ओ भाई किस किस को बुला लेते हैं यार ये शो में। पहले इसको बुलाया था और इसने ये कांड किया था। शिट ये क्या है, ये इसकी सूसु साहब। और अब इन्होंने बुलाया है राधे माँ को, जिनका एक दो साल पहले ये वाला वीडियो वायरल हो गया था। पर यार सच में इनको और कोई नहीं मिला बिग बॉस के शो में बुलाने के लिए। अरे स्वामी ओम को ही बुला लेते, थोड़ा अपना पवित्र जल छिड़क देते। तो दोस्तों बिग बॉस एक ऐसा शो है जो TRP पाने के लिए कुछ भी कर सकता है। नहीं, उसके लिए सलमान खान को घर में आके बर्तन धोने पड़े। सलमान सर, अबे गंदगी, गंदगी। बिग बॉस के इतिहास में पहली बार घर वालों की गंदगी साफ करने खुद आ गया है सलमान। या फिर शो ना चले और TRP ना आ रही हो तो इन दोनों को कपल्स बना दे। Love you. मतलब यार सीरियसली, एक बाप की उम्र का तो एक बेटी की उम्र का इन दोनों को रिलेशनशिप में दिखा दिया था यार। इनका स्टूडेंट टीचर का रिश्ता था, मतलब कुछ भी। अगर तुम बिग बॉस देखते हो और तुम्हें लगा था कि ये दोनों सच में पति पत्नी या फिर रिलेशनशिप में हैं, तो भाई नो वर्ड्स फॉर यू, लिटरली नो वर्ड्स फॉर यू, मेरे पास कोई शब्द नहीं तुम्हारे लिए। ये वाली न्यूज देखो, कल ही न्यूज आई है, अनूप जलोटा जी ने कुछ बोला है। भाई थोड़ा दिमाग खोलो, ओपन योर माइंड, ठीक है। सो दिमाग खोल के शो देखा करो, समझा करो, कुछ भी जो देखा उसे विश्वास मत कर लिया करो। फाइनल वर्डिक्ट ये है कि अब रिपब्लिक टीवी का TRP डाउन हुआ, तो अब कलर्स बिग बॉस के थ्रू TRP गेन करेंगे। अगर कमेंट से बताओ वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो करके आ रहे हो यार, लाइक करो जल्दी से। तुम्हारा एक लाइक इक्वल्स टू 100 मोटिवेशन फॉर मी, ऐसे कुछ होता है ना कमेंट्स में लिखते हैं लोग, या फिर 1 लाइक इक्वल्स टू 100 दुआस, जो भी है तुम बस एक लाइक कर देना। और अगर चैनल पे न्यू हो, अगर वीडियो अच्छी लगी, लिटरली अच्छी लगी, तो सब्सक्राइब जरूर करके जाना, ठीक है। सब्सक्राइब करो यार, तुम सपोर्ट दिखाओ, कंटेंट को नेक्स्ट लेवल पे मैं लेके जाऊंगा, बता रहा हूँ मेरे पास बहुत सारे ऐसे ऐसे प्लान्स हैं। तुम वीडियोस देख के शौक हो जाओगे यार, मान तो मेरा प्रोडक्शन कॉस्ट लो है, बट तुम सपोर्ट दिखाओ कुछ हाई कर दूंगा, सब कुछ नेक्स्ट लेवल। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, आई होप कि आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी, बाय, पीस आउट। और हाँ यार, बिग बॉस फैमिली फ्रेंडली नहीं है। नहीं है। I am going to make a new video, so please I want to reach 1,000,000 likes, so please okay, thank you. Yeah.